हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है टॉपर फोनिक्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के बारे में। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कैसे करनी है और कैसे पढ़ना है ताकि सिलेक्शन हो जाए। देखिए दोस्तों, आपको पता है 15 दिसंबर से एग्ज़ाम होंगे आपके, जिसमें पहले एग्ज़ाम होंगे NTPC के 15 दिसंबर से। वो एग्ज़ाम चलेंगे दोस्तों आपके एक महीना, और उसके भी एक महीने बाद आपके शुरू होंगे ग्रुप डी के एग्ज़ाम। ठीक है, मतलब गाइज अभी आपके पास 5 महीने से भी ज़्यादा समय है, आप तैयारी को अच्छे से अपनी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको, कैसे पढ़ना है और आपका तरीका क्या होना चाहिए। दोस्तों, हमारे कहने से एक बार वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, और वीडियो 101% आपको पसंद ज़रूर आएगी। तो दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करना, और टॉपर फोनिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। दोस्तों देखिए, कोई भी जानकारी रेलवे से संबंधित आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं आपका सिलेबस ग्रुप डी में क्या सिलेबस है। दोस्तों, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और GK और करंट अफेयर, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके, जिसके दोस्तों 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। मतलब दोस्तों 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे, जिन्हें करने के लिए आपको 90 मिनट का समय मिल जाएगा। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के होते हैं 30 क्वेश्चन, और GK और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इन्हें कैसे पढ़ना है, 5 महीने में किस हिसाब से इन्हें लेके चलना है ताकि 80+ टारगेट अपना हो जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले बात को समझ लीजिए यहाँ पर। अगर आपके इस एग्ज़ाम में 70 नंबर आ गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि गाइस 1 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 80 से भी ज़्यादा नंबर के, 101%। जैसे मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसे तैयारी शुरू कर दो, 80 से भी ज़्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों कैसे पढ़ना है। पहले बात करेंगे दोस्तों हम मैथ के बारे में। ठीक है, मैथ कैसे तैयार करना है, और मैथ होता है दोस्तों स्कोरिंग सब्जेक्ट, मैथ और रीजनिंग होते हैं दोस्तों स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, मैथ से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जिनमें से आपका टारगेट होना चाहिए कि 22 से 25 क्वेश्चन आपके सही हो जाएँ। आपको दोस्तों पढ़ने को तो बहुत कुछ है, फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ अर्थमेटिक वाला पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, HD यादव की किताब लेके आना, उसका अर्थमेटिक निकाल लेना। HD यादव बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए काम आती है। ठीक है, जैसे किसी भी एक छोटे मोटे लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं HD यादव से क्लियर होते हैं। अब गाइस देखिए, अगर आपने पढ़ रखा है पहले से मैथ, तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ठीक है, उनका रिवीजन करना है, 1-2 चैप्टर डेली निकालो और उनका रिवीजन करो। और अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है या तैयारी करना शुरू चाहते हैं, ठीक है, तो गाइज देखिए, आपको अभी 3 दिन पहले ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई है, वो क्लासें लेनी है। साहिल सर की क्लास मिलेगी आपको Wi-Fi STD पर। 3 दिन पहले नया कोर्स स्टार्ट किया है ग्रुप डी का। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप उस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके वो देख सकते हैं। 101% बोल रहा हूँ दोस्तों, इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे आपको, मज़ा आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। जैसे उन्होंने कोई भी चैप्टर शुरू करा, ठीक है, आपको नोट्स बनाने हैं हाथों हाथ, उस चैप्टर का नाम लिखें और जितने क्वेश्चन वो उस चैप्टर से कराएं, हाथों हाथ वो नोट्स बनाने हैं, और तुरंत उसके बाद जैसे वो चैप्टर कम्प्लीट हो, उसका रिविज़न आपको रेगुलर बेस पर करना है। ठीक है, और रिविज़न बिल्कुल नहीं छोड़ना, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। तो ये होता है मैथ को अच्छे से क्लियर करने का तरीका। आपके 22 से 25 क्वेश्चन 101% आएंगे, जैसे बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसे तैयारी करिएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी दोस्तों होता है हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, मैथ और रीजनिंग, 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 25 से 28 क्वेश्चन का आपका टारगेट होना चाहिए रीजनिंग में। दोस्तों 30 में से 30 क्वेश्चन सही होते हैं रीजनिंग में। ठीक है, लेकिन हम दोस्तों 25 से और 28 क्वेश्चन तक की बात कर रहे हैं। आपको सबसे पहले सुबह उठकर डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है रीजनिंग का। सबसे पहले काम आपका सुबह उठकर यही होना चाहिए कि डेली प्रैक्टिस सेट आपका एक रीजनिंग का कंप्लीट हो जाए, उसका एनालाइज करना, कौन सा चैप्टर आपका कमज़ोर है उसे देखना। अगर आपने पहले से ही सिलेबस कर रखा है तो दोस्तों जो भी आपकी कमियां दिखें उसे बार बार पढ़ो, और अगर आप शुरू ही कर रहे हैं तो दोस्तों आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है विनय सर की। एग्ज़ामपुर यूट्यूब चैनल पर विनय सर पढ़ा रहे हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट हो गई हैं अभी कुछ ही दिन पहले हुई हैं, 2-3 दिन पहले इनकी क्लास हुई है स्टार्ट, वो लेनी है। ठीक है, उसका भी दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, जाके वो वीडियो वहाँ से बुक क्लासें ले लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं देखिए जनरल साइंस की। ठीक है दोस्तों, जनरल साइंस कैसे तैयार करा जाता है अब अच्छे से समझिएगा दोस्तों। ठीक है, 25 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिलेंगे जनरल साइंस के,
छोटा सा पोर्शन होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है जनरल साइंस का। अब उसमें से कुछ मेन मेन टॉपिक होते हैं, बाकी देखिए अगर आप देखोगे जनरल साइंस को तो बहुत बड़ा होगा, इतने सारे टॉपिक आते हैं, लेकिन उनमें से हमें वो तो पता होना चाहिए कि आखिर किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। अगर वो आपको पता हो गया तो 20 से 22 क्वेश्चन आप आराम से कर जाओगे इन 25 क्वेश्चनों में से। अब देखिए दोस्तों, आपको रेलवे स्पीड की एक बुक खरीदनी है, जनरल साइंस की आती है, ठीक है, जनरल साइंस की। दोस्तों आपको देखें यहाँ पे चमक भी रहा होगा डिस्प्ले पे, ये वाली बुक खरीदनी है रेलवे की। अगर है पहली तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो दोस्तों ये खरीद कर लानी है और इसे पढ़ना है 101%, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आप चाहो तो दोस्तों ऑनलाइन क्लास ले सकते हो जनरल साइंस की, अंकित अवस्थी की, याद रखिएगा दोस्तों अंकित अवस्थी की क्लास लेनी है, वाईफाई स्टडी पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। इससे पहले मतलब एक साल पहले उन्होंने वो क्लासें पढ़ाई थी अंकित अवस्थी की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन क्लासों को आप देखिएगा, ठीक है। 101% दोस्तों 20 से 22 क्वेश्चन कोई आपके रोक नहीं पाएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जीके की और करंट अफेयर की, ठीक है। जीके देखिए, जीके आपको तरीका ऐसे बताऊंगा दोस्तों जीके को तैयार करने का, ठीक है। पढ़ने को तो दोस्तों बहुत सारा, इतना जीके है बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें पता है 20 क्वेश्चन आएंगे और 15 से 17 क्वेश्चन हमें राइट करने हैं। रेलवे स्पीडी की बुक लेके आनी है जीके की, ये वाली लेके आनी है वन लाइनर की, ठीक है, उसे पढ़ना है। उसके अंदर जितने भी ब्लैक पोर्शन के जो गहरे हैं उनमें जो डिटेल दी है उन्हें पढ़ना है, उनके क्वेश्चनों को देखना है, बार बार उन्हें पढ़ना है। जीके के जितने क्वेश्चन आएंगे आज नोट करके लिख लेना, यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। पढ़ने को तो इतना सारा है दोस्तों, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, बहुत सारा है, लेकिन आप वो पढ़ोगे तो वहाँ से आपको 101% क्वेश्चन मिलेंगे और सारे क्वेश्चन वहाँ से ही मिलेंगे, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर के। अब करंट अफेयर कैसे पढ़ें, देखिए दोस्तों करंट अफेयर रोज़ पढ़ने की आदत बनाओ, डेली करंट अफेयर सुबह को, ठीक है। पहले दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाओ सुबह को, उसके बाद में करंट अफेयर पढ़ने की आदत बना लो, ठीक है। सुबह को रोज़ डेली करंट अफेयर पढ़ो, डेली वाइज डेली। आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है विवेक सर की, एग्जामपुर यूट्यूब चैनल विवेक सर की, अगर आप ऑनलाइन क्लास लोगे करंट अफेयर की तो गाइस अगर यहाँ से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ गए ना तो आप 10 में से 10 करके आओगे, 10 में से 10 एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। आप सिर्फ 15 दिन क्लास लेके देख लीजिएगा, आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ करंट अफेयर हमारा तैयार हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है तैयारी करने के लिए, अच्छे से दोस्तों समझाया है। अगर आप दोस्तों इस तरीके से पढ़ते हैं तो देखिए दोस्तों आपका स्कोर क्या बैठता है, ठीक है। देखिए टोटल मार्क्स की बात करते हैं गाइस, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं और आपको 20 क्वेश्चन जैसे बताया है ऐसे आप आराम से कर आओगे, ठीक है। मैथ के 25 में से 22 क्वेश्चन आराम से करके आओगे, रीजनिंग के 30 में से 25 क्वेश्चन 101% करके आओगे, जीके और करंट अफेयर दोस्तों 20 में से 15 क्वेश्चन कोई आपके नहीं रोक पाएगा। मतलब गाइस बात करें तो 20, 22, 25 और 15, मतलब गाइस टोटल मार्क्स होते हैं 100 नंबर, ठीक है, 100 क्वेश्चन, और आप दोस्तों ये टोटल मिलाएं 20, 22, 25 और 15 तो ये बैठ रहे हैं दोस्तों 82 क्वेश्चन। 82 क्वेश्चन का मतलब है 82 नंबर, ठीक है। मतलब गाइस 82 नंबर कोई आपका सिलेक्शन किसी भी तरीके से काट ही नहीं सकता। गाइस देखें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत ज़बरदस्त होती है रेलवे में, ठीक है। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन पर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। देखिए अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई की, ठीक है, और आप 82 क्वेश्चन यहाँ तक नहीं आ पाए और आप 70 तक भी रुक गए, 70 तक भी आप ले आए और गलत नहीं करके आए, तो गाइस आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कम से कम 80 बैठेगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से होता है रेलवे में, सेपरेट वीडियो आएगी, पूरी अच्छे से समझाएंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी और आपको खुद लगा होगा कि हमारी पढ़ाई में कहाँ कमी है और हमारा किस वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो गाइस जैसे बताया है ऐसे ज़रूर पढ़िएगा, और दोस्तों कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाना और वहाँ पे अपना डाउट्स लिख देना, एक एक कमेंट्स को अच्छे से पढ़ा जाता है दोस्तों, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और दोस्तों टॉपर फोनिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, कोई भी जानकारी आएगी आपको दोस्तों चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। दोस्तों आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।